आप किसी के प्रेम में हैं, हृदय चक्र प्रेम, समय कितना धीमा होता है, आराम आराम से चल रहा है, हल्का प्यार से, आह आह कोई लफड़ाई नहीं। कहते हैं ना, शादी से पहले लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पूछो नहीं, चमक रही थी, लड़का ऐसा राजकुमार लग रहा था, चमक रहा था, वो औरा धधक रही है अंदर से, क्या? क्योंकि वो सिर्फ प्रेम में है। प्रेम का फायदा क्या है? प्रेम मजे मजे चलता है यार, लवली लवली स्पीड है यार, लवली लवली यार, क्या बात है यार। तो क्या किया, समय धीमा हो गया भाई, 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। वो 3 दिन परमात्मा के अकाउंट में शायद 3 घंटे के काउंट होंगे, जिस दौरान आपने मुन्ना से क्लेश किया होगा, और आप घर बैठे हैं 3 घंटे पति पत्नी लड़ रहे हैं, कहेंगे जन्म बीत गया मेरा, इस आदमी के साथ कुत्ते खानी करते, आपके लाइफ का -3 हो जाएगा डेज, पूरे 3 दिन शायद घट गए। ये है एजिंग और एंटी एजिंग। आप बूढ़े हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ये है मूलाधार के ऊपर बैठ करके आप क्लेश कर रहे हैं लड़ाई। नो प्रेम, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा। सर ये तो आप ये कर रहे हैं, ये तो साइंटिफिकली है कि ग्रेविटी के पास टाइम लंबा हो जाता है। हाँ, ग्रेविटी के पास टाइम लंबा हो जाता है। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर कहाँ कहाँ के रेफरेंस चले जाएंगे। आप षड विकार, आपने जब हमें समझना है कि हमारा समय लंबा कैसे, उम्र लंबी कैसे हो जाती है, बड़ा चमत्कार है। उम्र लंबी कैसे है, अभी ब्रह्मा जी की उम्र की बात करेंगे हम, छोटा सा समय के लिए लेंगे, पागल कर देगा, फिगर्स पागल कर देंगे, हैरानी की बात है कि कॉस्मोस कैसे चलता है। टाइम इज प्योर मैथमेटिक्स, 100% मैथ्स है। आपके षड विकार जब आप यहाँ होते हैं, कष्ट में होते हैं, कितना लगता है समय बीत ही नहीं रहा, हे भगवान जिंदगी नरक हो गई। जो लोग यहाँ बैठे रहते हैं जल्दी बूढ़े होते हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो धीरे 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 धीरे, और जो यहाँ रहते हैं वो तो बूढ़े हुए नहीं हुए बात ही खत्म, वो बूढ़े भी माल होते हैं, मक्खन होते हैं, कंचा लगते हैं, गजब। क्यों? शरीर एज कर रहा है, अंदर की ऑरा बहुत धधक रही है। जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठने का झंझट है कि सुबह उठो जीवन अच्छा होगा, वो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट, सूरज निकला नहीं है, रोशनी आ गई है, अल्ट्रा वायलेट, सहस्रारा ऑन होता है, ऑटोमेटिक किरणें लेता है, और जब रात हो गई, डूब गया सूरज, काला अंधकार, तो यहां इंफ्रा रेड होती है, रेड के बाद इंफ्रा रेड, ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रिव्यूर, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मार देती है। इसके बाद एक्स रेज है, माइक्रोवेव है, कॉस्मिक नेगेटिव रेज है सारी, इसके आगे भी। ये विबग्योर के पहले शुरुआत आनंद, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, कोई धर्म वर्म का लेन देन नहीं, टोटल साइंस है, क्योंकि ये समय, वो समय जब सूर्य नया नया रोशनी दे रहा है, सिर्फ पॉजिट्रॉन है। आप सुबह उठते हो क्या होता है, मस्त यार मजा आ गया, भिखारी देखता है कहता है ले यार तू आज तेरे को दिया, शाम को भिखारी मिलता है उसे आप गाली बकते हो, साले दफा यहां से, मैं इन्फ्रा रेड लाइट की ओर जा रहा हूँ, दिमाग खराब कर रखा है तूने, क्रोध में हूँ, सुबह सुबह ताजे, आ मजा आ गया। इसलिए आप कहाँ हैं, खुद को शांत रखना आया, नहीं तो बुढ़े हो जाओगे। दिस इज ओल्ड एज, दिस इज एंटी एजिंग। एंटी एजिंग, सोफा है, कुर्सी है, टेबल है, नौकरी है, सामान है, बच्चे का पेपर है, घर गृहस्थी है, पास्ट और फ्यूचर में मत जाओ। जैसे ही आप क्वांटम लेवल पे जुड़ गए, क्वांटम मींस अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म क्वांटा, इसके ऊपर आप चले गए, तो आपके जीवन के वो पार्टिकल्स को आप हिट कर रहे हो जहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इकट्ठा रहता है। जिसने ये सीख लिया है वो यहीं बैठ के मुन्ना को 10 दिसंबर 2010 में ले जाएगा, पन्ना फाड़ देगा, और आने वाले समय में उसके दुख खत्म। लोगों की प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, क्या पन्ना फाड़ना आया, आता ही नहीं, उन्हें लगता है ये तो संभव ही नहीं है, 4th dimension का मुन्ना है आपके पास। सर ये 12% को भी चेंज करने की बात कर रहे हो आप, ये पन्ना फाड़ना जो है, ये 12% को चेंज करने वाली बात है ना, वही क्वेश्चन है कर्म वाला। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है कि क्या हम 12% को चेंज करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हो आप तो 12% चेंजेबल है। दूसरी हमने लाइफ का एक मुन्ना ऑन कर लिया, यस, पैरेलल यूनिवर्स का भी मुन्ना ऑन कर, पैरेलल यूनिवर्स में जाकर के हमने अपने आप को परिवर्तित किया है, और इसी जन्म के आगे के इवेंट्स के वो पर्चा फाड़ दिया है, उसे विलीन कर दिया। एक समय ऐसा भी आता है जब मुन्ना अगला जन्म नहीं लेता है, यानी जैसे टेनेट में वो पीछे जाके चेंज करते हैं, तो वो इवेंट्स कभी हुए नहीं फिर, मतलब हाँ, जो पीछे जाके ऑल्टर कर दिया सब चीजें लास्ट में जाके, फिर वो हुआ नहीं, ना लड़ाई हुई ना कुछ हुआ ना बम बना, इसमें भी ग्लिच है, इसमें भी ग्लिच है, पर करेंगे इसकी बात, ये बहुत लंबी चर्चा है। पहले के जो मुनि होते थे बड़े ऋषि जो, तो वो युद्ध वगैरह भी तो रोक देते थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मजे की बात क्या थी, ऐसे ऋषि मुनि युद्ध वगैरह रोकते नहीं थे,
कि ये होने दो, ये होना जरूरी है। जो लोग अपनी जबरदस्त, जिन लोगों के पास शक्ति है, आठवीं डायमेंशन में कोई फॉर्म नहीं है, उस फॉर्म के बिना हम कुछ भी फॉर्म बदल सकते हैं। जब आप इतनी शक्तिशाली या ज्ञानी हो जाएंगे ना, तो आप कुछ भी बदलने का प्रयास छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं ये लीला है, ऐसे ही चलने दो। हम क्यों बीच में अपनी चीज को मारें, अपने मन के हिसाब से क्यों परिवर्तन करें। मुन्ना को जीत लिया है, मुन्ना सेवक है आपका, मुन्ना आपको सब दे रहा है, मुन्ना आपको शांति दे रहा है गुस्से की बजाय। जिसने आपसे गुस्सा करना है, जिसने आपके पैसे खाने हैं, जिसने आपसे लड़ना है, वो आपके सामने आते ही शांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। ऐसे लोग हैं, कहते ना यार इनके पास जाके पता नहीं क्या होता, दिमाग ही नहीं चलता। मैं शाब्दिक बात कह रहा हूँ, परमात्मा की कृपा है, मेरे पास 60-70% लोग आके बैठते हैं जब कमरे में अंदर, कहते हैं जी क्वेश्चन भूल गए, पता नहीं क्या पूछना था। लिख के लाते हैं फिर, लिख के लाते, फिर वो लिखवा के ले जाते हैं। पॉइंट समझने का क्या है, ऐसा आपको कई जगह आभास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप डायमेंशनल लेवल पर नीचे गिरे पड़े हो, ऊपर की ओर जीवन को पॉजिटिव करना आता नहीं, इसलिए लाइफ नेगेटिव होती रहती है। आप इलेक्ट्रॉन पालते रहते हो, उसको बीम ऑफ लाइट दो, ये आशीर्वाद से आती है, पितरों की कृपा से आती है, प्रेम से आती है, गुरु की कृपा से आती है। माता पिता का आशीर्वाद लेना इसलिए ज़रूरी है, सूर्य हमारा परम पिता है, चंद्रमा हमारी माँ है, सूर्य आत्मा है, आत्मा के पास क्या है, आत्मा, आत्मा के पास है निराकार स्काई प्लस ईथर। टिप्स पे ले लो ये चीज, जीवन बदल देंगी। और साथ में है मुन्ना, ये क्या है, ये निराकार है, निराकार का हिस्सा है आत्मा में। तो निराकार से निराकार जब जुड़ जाता है, निराकार मींस कौन हुआ, परमात्मा, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। एक होता है स्काई ईथर और प्लस मुन्ना, स्काई और ईथर है स्पिरिट और ये है सोल, स्पिरिट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, परमात्मा, उससे कौन जुड़ सकता है, आत्मा, आत्मा के पास ये एलिमेंट है, अकेले मुन्ना के पास नहीं है, इसलिए मन भटकता भी है, इसलिए इसको सूर्य की कृपा चाहिए। सूर्य कौन, कोई बड़ा, बड़ा कौन, पुरुष, पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष और प्रकृति, ये पिछली क्लासेस की रेफरेंस ले रहे हैं हम, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति क्या है, पुरुष वो घर जहां ईश्वर रहता है, कहां नहीं रहता, ईथर इज एवरीवेयर। प्रकृति, प्रकृति वो शक्ति जिसके द्वारा चीज बनती है, और कृति, कृति मतलब बनी हुई, चिज्जी बनी हुई, ये बनने से पहले की शक्ति, इसे कृति ना माने, नेचर नहीं, नेचर को चलाने चलाने वाली शक्ति, ये कृति है, बनी हुई चिज्जी, ये जो बनाने के लिए एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबल, ये वो है। और ये है वो पुरुष, ये क्वांटम है, क्वांटम लेवल पे अगर आपने चेंज कर लिया अपने को, आपका सब बदल गया, आपका कर्जा आ गया, ये कर्जा है। एक है क्रिएटर, क्रिएशन, क्रिएटेड, ये आपका कर्जा हो गया, ये कृति है चिज्जी, बन के मिल गई, कर्जा मिल गया ना। अब ये कर्जा क्यों मिला, क्योंकि इसको बनाने की प्रकृति थी, इसको बनाने के लिए आपने अंदर कुछ कुछ कुचुड़ कुचुड़ घुमाया था। आपके जीवन में लफड़े हैं, क्लेश हैं, गृहस्थ के क्लेश हैं, क्यों, ये क्लेश बन के आए हैं, इसके लिए प्रकृति काम कर रही थी। तो प्रकृति को शक्ति कैसे काम कर रही है, बिकॉज पुरुष, यानी क्वांटम लेवल पे, मानसिक तौर पे आप पेपर देते हुए डरे हुए हो, मरे हुए हो, कुढ़े हुए हो, आपकी प्रकृति वही बन जाएगी और आप पेपर क्या करोगे, फेल। आप इंटरनल लेवल पे खुद को चेंज करोगे, टाइम को स्टॉप कर दो, 10 तारीख का पेपर फाड़ दो, वो पर्चा फट गया, अभी इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में, लेकिन ये ब्रेन के स्मृति पटल में अंकित हो गया, एक दिन हो जाएगा। एक समय था जब 200 रन सिंगल डे के मैच में धरती पे किसी ने नहीं बनाए थे, असंभव है यार। सचिन तेंदुलकर ने पहली बार 200 मारे थे नॉट आउट, उसके बाद बथेरों ने मार दिए, जैसे ही पता लगा कॉन्शियसनेस को, अरे संभव है यार, ढेर सारे बन गए। 13 बॉल में यशस्वी जायसवाल ने 50 ठोक दिया, फास्टेस्ट, अब बथेरों ने मार दिया। उसके बाद क्या है ये, जब एक करता है लगता है हाँ हो सकता है तो कर सकते हैं, ये कोई अनअचीवेबल नहीं है। आज आप जो जानकारी ले रहे हैं, समझ आए ना आए, ये स्मृति पटल में रहेगी, चित्त में जाएगी और ये किसी ना किसी जन्म में उठ जाएगी। ऐसे चेंज करोगे आप लाइफ, पहले मजे लोगे चेंज करने के, फिर घमंड आएगा, फिर पिटोगे, फिर एक समय आएगा घमंड भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, शुरू में लगता ना वाओ मैन, प्रकृति के अपने नियम बने हैं, ये पीट के सेट कर देती है, फिर पिट पिटा के सेट होगे, फिर एक दिन लगेगा क्या रखा है इसमें। उस दिन शक्तियां भी आपके ऊपर मेहरबान होंगी, परमात्मा भी उसको देता है
जो संभाल सके। कहते हैं ना गुरु ने अपना एक अस्त्र ब्रह्मास्त्र था ऐसे शिष्य को दिया जो संभाल सके। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाकर वापस बुलाना आता था, अश्वत्थामा को नहीं। अश्वत्थामा की ऐसी तैसी, आखिर में मरा, बर्बाद हुआ, सड़ सड़ के जिंदगी नरक है। चिरंजीवियों में एक है अश्वत्थामा। आपके जीवन में आपको 10th डायमेंशन के ईश्वर से मिलना है और वो अभी भी मिल सकते हैं।